यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में चांद नगर स्थित अल खुर्शीद उर्दू हाई स्कूल तथा जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में हाल ही में क्रीड़ा वक्तृत्व और चित्रकला स्पर्धा तथा वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेकर विद्यार्थियों ने अपनी खेल क्षमता सहित उम्दा कला प्रदर्शन का मुजाहिरा कर उपस्थितों का मन मोह लिया। अल खुर्शीद उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस में खेल तथा वक्तृत्व स्पर्धा और चित्रकला स्पर्धा सहित वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस वक्तृत्व स्पर्धा में गुटे से अनिबा शेख ने पहला, हुमैरा नाज ने दूसरा, वहीं ग्रुप बी में आफिया शेख ने प्रथम, अक्सर शौकत खान ने द्वितीय और अफशान मसर्रत ने भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं नेशनल वोटर्स डे ड्रॉइंग स्पर्धा में नोमान खान ने प्रथम, अक्सर फिरदोस ने द्वितीय और अश्मीरा मोहम्मद ने तृतीय स्थान हासिल किया। साथ ही खेल स्पर्धा में बिलाल खान ने प्रथम, अनमता शेख ने द्वितीय, वहीं आफिया खान ने तृतीय स्थान हासिल किया। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि गट शिक्षणाधिकारी मुकेश कोंडावार, विस्तार अधिकारी शुभदा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम फोरम के अध्यक्ष फिरोज खान, सचिव अजीम खान उपस्थित थे। इन कार्यक्रमों में सूत्र संचालन सहायक शिक्षक अफरोज खान और सैयद जुनैद ने किया। वहीं सहायक शिक्षक मोहम्मद अतीक तथा जकीउल्ला खान ने आभार प्रदर्शन किया। स्नेह सम्मेलन में विद्यार्थियों ने कौन बनेगा ईमान वाला, मेरा जन्नत कश्मीर, विविधता में एकता, एक ओट की ताकत, माँ की अहमियत, शिक्षा का महत्व आदि विषयों पर नाट्य प्रस्तुतियां पेश कर उपस्थितों से प्रशंसा बटोरी। विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सराहते हुए संस्थापिका मेहरुन्निसा शेख ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बधाई दी। कार्यक्रम की प्रस्तावना मुख्याध्यापिका महलका खालिद शेख ने रखी। इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आदिल शेख, मुहिबुल हक, मोहम्मद खलील, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद इकबाल और वजीर शाह आदि सहित अन्य शिक्षक और कर्मचारियों ने योगदान दिया है। हर साल की तरह इस साल भी 26 जनवरी के मौके पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें के मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे थे, बच्चों की तकारीर थी, नाते थी, हमद थी, नगमे थे। उसी तरह उसके अलावा जो इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ ली गई थी, उसमें चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा और आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, जिसमें बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के इनामात भी लिए। उसके बाद में असातेज़ा और तलबा की जो मेहनत है वो रंग लाई स्टेज पर 27 जनवरी को, जो हमने 2 बजे से प्रोग्राम शुरू किया था। इसमें बच्चों ने मुख्तलिफ उनवाना पे ड्रामे पेश किए, जैसे कि जन्नत कश्मीर की झांकी पेश की गई, उसी तरह तालीम की अहमियत पर ड्रामा पेश किया गया, वालिदा की अहमियत यानी मदर्स माँ की जो रिस्पेक्ट है वो किस तरह होना चाहिए उसके लिए एक ड्रामा पेश किया गया, एजुकेशन की वैल्यू समझाने के लिए एक वोट की कीमत समझाने के लिए एक ड्रामा पेश किया गया। ऐसे कई ड्रामों का इनेकाद 27 जनवरी को किया गया था। इनमें एक और हाईलाइट थी, वो था कौन बनेगा करोड़पति तर्ज पर एक हमने गेम लिया, जो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर मुनक्किद था। सीरत नबवी जिसको कहते हैं, उस पर सवालात बच्चों से किए गए और बच्चों ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ और बड़े ही मोतबर तरीके से जो है इस पर बच्चों ने जवाबात दिए। बच्चों की मालूमात को देखकर वहां की मौजूद सारी जो पब्लिक थी वो हैरान रह गई कि इतने अहम मौजू पर भी बच्चे इतने अच्छे जवाबात यहाँ पर दे रहे थे। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान।